गांव है जामुन दोहर, जो माइंस से काफी सटा हुआ है। वो पहला प्राथमिकता था माइंस को बढ़ाने के लिए, उस गांव को हटाने का, लेकिन उनको सही जगह और उचित मुआवजा नहीं मिल जाने के वजह से आज तक पिछले 8 सालों से मामला विस्थापित करने का मामला स्थगित था। हम मुखिया बने थे तब से ये समस्या आ गया था, और समस्या के चलते हमेशा परेशानी था। कभी हमेशा जब भी मीटिंग बुलाता तो जाते, कोई दूसरा लोग कभी घुस के मीटिंग करता, हमें सब बरगलाता, तो कोई हमको कुछ बोलता है। कोई आज के दिन कंपनी भूमिहीन को, जो रैयत नहीं है, उनको सिर्फ हाउस कंपेंसेशन देती है। राज्य सरकार 3 डिसमिल जमीन दे करके जमीनहीनों को बसाती है, उसी प्रकार आज की ग्राम सभा में ये निर्णय लिया गया और इसीलिए यहाँ के लोग उसको मान गए। मैं एक लक्की हूँ कि 8 साल की समस्याओं को सुलझाने में मुझे सफलता मिली, ये मुझे गर्व हो रहा है। 8 साल से लंबे संघर्ष की भी समाप्ति हुई है। आइए इस मुद्दे पर हम बात करेंगे खलाड़ी प्रखंड की प्रमुख सोनी तिग्गा से। सोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लंबा संघर्ष रहा, पिछले टर्म में जब आप प्रमुख थी तब से लेके इस टर्म के 2 साल हो गए, अब तक ये विवाद चला आ रहा था। क्या थी मूल बातें जिसकी वजह से ये विवाद अटका पड़ा था, और आज ऐसा क्या चमत्कार हुआ जिससे विवाद सुलझ गया? पहले तो आज की इस ग्राम सभा में आपका स्वागत है। मैं आपको आपके न्यूज के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि ये मामला 2016 से मेरे कार्यकाल से चला आ रहा है, जामुन दोहर को विस्थापित करने की। चूँकि इनके एरिया का KDH परियोजना है, जिसमें उसको विस्तारीकरण करने के लिए एक गांव है जामुन दोहर, जो माइंस से काफ़ी सटा हुआ है। वो पहला प्राथमिकता था माइंस को बढ़ाने के लिए, उस गांव को हटाने का, लेकिन उनको सही जगह और उचित मुआवजा नहीं मिल जाने के वजह से आज तक पिछले 8 सालों से मामला विस्थापित करने का मामला स्थगित था। जो ये मामला स्थगित चला आ रहा था, उसमें जो मुख्य रुकावट के जो बिंदु थे, जो कारण थे, वो क्या थे? इसमें मूल कारण था कि वो लोग रैयत नहीं है, वे भूमिहीन है। जो व्यक्ति का जमीन था, वे CCL से मुआवजा राशि ले चुके थे, और उस जमीन में उनका कुछ लोगों का नौकरी भी हो चुका है, और बच गए वो लोग जो दूसरे जगह से विस्थापित होके जामुन दोहर में आके घर बना के निवास कर रहे थे। चूँकि CCL बहुत पहले ही इस एरिया को अधिग्रहित कर लिया था, लेकिन इनको जानकारी नहीं था और ये लोग वहाँ घर बना के रह रहे थे। यही कारण था कि अभी जो दोबारा से इनको विस्थापित करने की आवश्यकता पड़ी है, तो CCL के भी कुछ कमियाँ थी कि वे लोग सही रूप से जो डाटा होता है कि उनको दूसरे जगह से विस्थापित किया जा चुका था और वे CCL के अधिग्रहण जमीन में ही घर बना के रह रहे थे, वो उनका दायित्व बन रहा था उस समय कि वे उन्हें नहीं वहाँ घर बनाने दिया जाए। लेकिन उस समय CCL भी अनदेखा की, जिस कारण से अभी जो इतने सालों से खदान का विस्तारीकरण नहीं हो पा रहा था, और अभी जाके सही रूप से जो उनकी समस्या थी, क्योंकि सारे लोग वहाँ जो जामुन दोहर में हैं, वो सारे लोग दिहाड़ी मजदूरी करके ही अपना जीवन यापन करते हैं, और उनको अगर उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तो घर भी नहीं बना पाएंगे, फिर अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। मेरा मामला यही था, लेकिन अभी उनको इस ग्राम सभा के माध्यम से जो भी छोटी समस्या थी, उनका दस्तावेज सही नहीं था, उनको दुरुस्त किया गया, और आज सही मायने में उनकी जो समस्या था उनको पूर्ण रूप से हम लोग निदान करने के लिए अंचल के तरफ से सारे स्टाफ थे, इनके एरिया परियोजना KDH के तरफ से जितने पदाधिकारी स्टाफ जिनकी आवश्यकता थी, सारे लोग आज यहाँ मौजूद थे, और हम लोग यहाँ लोकल ग्रामीण भी के साथ साथ हम जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे, और उनकी सारी समस्या को बिंदु वाइज क्लियर करते हुए उनके सारे दस्तावेज को हम लोग कलेक्ट कर लिए हैं, और जो भी अंचल के द्वारा अब जमीन जहां भी दिया जाएगा इनको, जहां पर इनको सुविधा हो, और उसके बाद सभी लोगों को मुआवजा मिल जाएगा।
मुआवजा मिल जाएगा और जमीन भी अंचल के द्वारा जहां दिया जाएगा वहां से मिल जाएगा। क्या कोई जगह चिन्हित होकर के निश्चित हो पाई है कि वहां पे जमीन दिया जाएगा? ग्रामीण सहमत हुए हैं उस बात पर? पिछले एक साल से मायापुर पंचायत का दुल्ली ग्राम में इनको वहाँ विस्थापित करने की बात चल रही थी, लेकिन उसमें असहमति जता रहे थे लोग, क्योंकि सारे लोग दिहाड़ी मजदूर है और वहाँ से आने में काफ़ी लंबा समय इनको तय करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आने जाने में समय बीत जाएगा और कोई सुविधा नहीं होने के कारण वे लोग वहाँ जाना नहीं चाह रहे थे। लेकिन आज सिर्फ ग्राम सभा के माध्यम से इनको बुनियादी जो सुविधा मिलना चाहिए वही तय हुआ है। जहाँ इनको विस्थापित करना है वो जगह नहीं तय हुआ है, वो सीओ चूँकि अंचल के देख रेख की जिम्मेवारी सीओ की ही होती है, जमीन का जो भी निर्णय लेंगे सीओ ही लेंगे, तो आज उस बैठक में सीओ नहीं आए थे, लेकिन सारे अंचल के बाकी स्टाफ लोग थे। अब सीओ यहाँ भी इनको जमीन उपलब्ध कराएंगे, इनको सुविधा देते हुए वहाँ सभी लोग जाने के लिए सहमति जताए हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं इसी विश्रामपुर पंचायत की मुखिया दीपमाला से। आज हम लोग ग्राम सभा रखे, पहले एक ग्राम पहले बैठक हुआ था गेस्ट हाउस में, तभी सीईओ सर और सीसीएल के अधिकारी, रैयत विस्थापित मोर्चा के अधिकारी, जामुनदोहर बस्ती का सभी ग्रामीण, हम लोग बैठक हुआ था उसी दिन निर्णय लिया गया था कि एक बैठक रखा जाए और जो भूमिहीन है उनको भूमि देने के लिए डॉक्यूमेंट जमा करने की बात कहा गया था। और जिसका भी जो हकदार है मकान का मुआवजा लेने के लिए, उस सर्वे टाइम में जिसका नाम चढ़ा हुआ था और वो डेट कर गए, या तो किन्हीं का गलत था या तो कोई किन्हीं का डॉक्यूमेंट नहीं था, तो उनको सुधारने के लिए कैसे हम लोग उसको मुआवजा दिलाएं, किस तरह से उसका समस्या का समाधान करें, उसी बात को लेकर ग्राम सभा रखा गया। और उसी हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से सभी ग्रामीणों से पूछा गया और पूछताछ करने के बाद में बोला गया कि इनको जानते हैं, इनका क्या समस्या है, उसी हिसाब से समस्या का समाधान होता गया। और इतना दिन से हमको भी लग रहा था, जब से हम मुखिया बने थे तब से ये समस्या आ गया था और समस्या के चलते हमेशा परेशानी था, कभी हमेशा जब भी मीटिंग बुलाता तो जाते, कोई दूसरा लोग कभी घुस के मीटिंग करता हमें सब बरगलाता, तो कोई हमको कुछ बोलता है, कोई दूसरा करता मुँह आजाद लेने के लिए बहुत लोग ऐसे परेशानी करता था। मुखिया जी, तो ये जो अंचलाधिकारी हैं लाड़ी के अंचलाधिकारी, उन्होंने अभी तक जमीन कहाँ पर देंगे अपने पत्ते नहीं खोले हैं, तो क्या ये संभावना अभी लग रही है कि आगे जाके ये पेच फंस सकता है, कहीं फिर से ये विवाद का रूप लेकर के फिर से ये सारा जो आज खुशी का माहौल है वो कहीं गड़बड़ा सकता है? सीओ सर से बात हुई थी तब सर तो बोले थे कि हमको जहाँ अच्छा जगह मिलेगा, जो कभी आप लोग को दिक्कत ना हो, बार बार जो अभी यहाँ घर बना रहे हैं वहाँ घर बना रहे हैं, ऐसे तोड़ना पड़ रहा है, वो समस्या ना आए, ऐसे जगह हम चुन करके देंगे, ऐसा बोल के बोले हैं। और उनको जहाँ ज़मीन मिलेगा अच्छा मिलेगा तो देने की बात कहे हुए हैं। अगर ऐसा बोल के डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए ग्राम सभा रखने के लिए बोला गया, अगर ऐसा तो अगर सर बोले हैं तो फंसना नहीं चाहिए, लेकिन फंस जाएगा उस टाइम में ग्राम सभा के में हुआ है तो हम लोग भी आवाज़ उठा सकते हैं इसके लिए। उसके बाद फिर आप क्या भविष्य देख रही हैं विश्रामपुर पंचायत के? जो जामुनदोहर गांव के जो निवासी थे, इन्हें रोजी रोजगार मिलेगा, चारों तरफ खुशहाली, और आपको ढेर सारा धन्यवाद। हाँ, आज ये लोग को बहुत समझाने के बाद समझ गए हैं और अपना अपना जगह देख के भी ये लोग घर बना रहे हैं, और जहाँ ये लोग को ज़मीन दिया जाएगा वहाँ सारा मूल सुविधा दिया जाएगा, पानी बिजली जो भी सुविधा मूल सुविधा होता है वो सारा सुविधा दिया जाएगा। तो इस बात से ग्राम सभा में हुई तो हमको अच्छा लग रहा है कि मेरे पंचायत का लोग है, वो कहीं जगह मिलेगा तो वो लोग अच्छा से रहेंगे, इसलिए हमको अच्छा लग रहा है। महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष अनीता एक्का गंजू हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है अनीता जी आपका। आज ये जामुनदोहर विवाद का बहुत ही सुखद समापन हो गया, कैसे हुआ और कैसा महसूस कर रही हैं, और ग्रामीणों का कैसा भविष्य आप देख रही हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल SBNN को बहुत बहुत धन्यवाद,
आज जो जामुन दोहर का मामला को लेकर के यहाँ विश्रामपुर पंचायत भवन में ग्राम सभा का आयोजन किया गया, ये KDH परियोजना में ये जामुन दोहर के कारण वहाँ का जो विकास का काम था वो सही रूप से नहीं हो पा रहा था, आज उसी को लेकर के ग्राम सभा किया गया और ग्राम सभा में यह निष्कर्ष निकाला गया कि इन लोगों को विस्थापित और मुआवजा और रोजगार के साथ इन लोगों को विस्थापन किया जा रहा है। पहले इनको दुल्ली गांव में दिया जा रहा था तो वहां साधन का अभाव के कारण लोग वहां जाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसका विकल्प निकाला गया और उसको 3 भाग में बांटा गया। एक कलारी पंचायत में जिसको जहाँ बसने का इच्छा हो वहाँ, जिस तरह से राज्य सरकार 3 डिसमिल जमीन दे करके जमीनहीनों को बसाती है, उसी प्रकार आज की ग्राम सभा में ये निर्णय लिया गया और इसीलिए यहाँ के लोग उसको मान गए और खुशी खुशी अपना ये आसियाना वहाँ लेकर के और बसने के लिए तैयार हो गए, इसीलिए अच्छा लगा। निश्चय ही जब विवाद सुलझ जाता है तो अच्छा लगता है, ग्रामीणों का भविष्य अच्छा लग रहा होगा कि भाई यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें रोजी रोजगार मिलने का भी मार्ग प्रशस्त हो गया और CCL के अंदर में जो माइंस का विस्तारीकरण होगा तो उसमें कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजी रोजगार मिलेगा तो यहाँ का समाज का भी विकास होगा। जी, अभी जब यहाँ पर विस्तारीकरण आगे नहीं बढ़ पा रहा था तो लोग डर डर के जीते थे, लेकिन अब विस्थापन होने के बाद वो नए तौर से अपना रोजी रोजगार का CCL का जब विस्तारीकरण होगा तो रोजी रोजगार का सृजन होगा और सृजन होगा तो सबको रोजगार मिलेगा। धन्यवाद।